देखिए लाइफ के किसी भी इवेंट को जिसमें आप सक्सेस हासिल करना चाहती है, यहाँ आपका सिलेक्शन टेस्ट है उसकी बात करेंगे। उसमें सक्सेस हासिल करना चाहते हो तो उसको आप में कितने भागों में फेजेस में बांट सकते हो। मैंने जैसे बांटा है बिफोर एग्जाम आपका, ड्यूरिंग एग्जाम और आफ्टर एग्जाम। आफ्टर एग्जाम क्या करोगे आप, एग्जाम ही हो गया, यहां पर काम नहीं आएगा। अगर आपने लास्ट जो पेपर आपके हुए थे, जैसे यूजीसी नेट का भी आपने पास किया है, अगर वहां आपने रिफ्लेक्ट किया होगा तो वो रिफ्लेक्शन यहां पर काम आएगी। ये बातें आगे जाके टिप्स में बताऊंगा। तो यहां बिफोर एग्जाम अभी आपके पास है, 3 हफ्तों का टाइम है आपके पास। तो बिफोर एग्जाम में क्या है, प्रेपरेशन। प्रेपरेशन कैसे करनी है, अगर कुछ स्ट्रेटजीज आप ध्यान में रखते हो पिछली स्ट्रेटजीज में, इन स्ट्रेटजी को ऐड करते हो तो हो सकता है कि आप बेटर परफॉर्म कर पाओ। दूसरा है कि आपने ड्यूरिंग एग्जाम अटेम्प्टेशन कैसे करनी है। हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन है, देखिए एसे टाइप और एमसीक्यू की प्रेपरेशन भी डिफरेंट होती है, और ये बात जान लीजिए, और अटेम्प्टेशन भी डिफरेंट होती है। और आपने एक दिन पहले जब एग्जाम है उससे उसमें किन बातों का ख्याल रखना है, अगर आप इनको प्लस कर देते हो, साथ लेके चलते हो अच्छी प्रेपरेशन, 20 ये जितने दिन बचे हैं, और आपके अटेम्प्टेशन के ये बहुत उससे भी ज्यादा जरूरी होंगे, ठीक है। तो इनको ज्वाइंट करके होलिस्टिक अप्रोच लेके चलते हो, प्लस अगर जो पिछली जो बातें हैं कोई पिछले टेस्ट की उसको भी अप्लाई करते हो तो सक्सेस में आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो। देखिए बेस्ट की कोई गारंटी नहीं है, बेस्ट तो वो असल में ही पता चलता है जब रिजल्ट आता है। ये जो सक्सेस हासिल करने का बेसिक फंडा ये है, जो भी मैंने थ्योरीज पढ़ी हैं या जितनी भी काउंसलिंग आज तक की है उसमें क्या है कि हमें होलिस्टिक अप्रोच से चलना चाहिए। होलिस्टिक का मतलब है ऑल एस्पेक्ट, जो फैक्टर हैं उनको शामिल करना चाहिए, आपकी प्रेपरेशन और जो अटेम्प्टेशन है। अगर आप पार्ट को फोकस करते रहोगे तो आप नेचुरली जो होल अप्रोच लेके चला है उससे तो पीछे रहोगे अगर आपकी एबिलिटीज और वो जो एंजाइटी लेवल है वो बराबर है दूसरों के। अच्छा, हमारे पास होलिस्टिक के लिए क्या है, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग एक कंसेप्ट है, टेक्निकली जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप ये देखिए कि आपको एग्जाम में, इस एग्जाम में क्या है आपके पास, कॉग्निटिव एस्पेक्ट जो आपके दिमाग का है उसमें क्या है, नॉलेज अबाउट योर सब्जेक्ट प्लस आपकी रीजनिंग, ठीक है, जहाँ थिंकिंग, दो बातें ये हैं। अफेक्टिव में क्या है, आपकी फीलिंग्स या इमोशन, इसमें मेन क्या है आपका, मोटिवेशन प्लस स्ट्रेस लेवल, ठीक है। इसके अलावा और भी अफेक्टिव एस्पेक्ट है, यहाँ डिस्कस अभी नहीं करूंगा क्योंकि आपके पास टाइम कम है। कोनेटिव फिजिकल एस्पेक्ट ये भी जरूरी है, इनकी बातें आगे जाके करूंगा। सोशल एस्पेक्ट, आपका फैमिली सपोर्ट कितनी है, जहाँ सोशल सपोर्ट आपको कितनी मिलती है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, ये सारे एस्पेक्ट मिलके आपकी सक्सेस को डिसाइड करेंगे। क्या यहाँ आप जो अप्लाई कर सकते हो इसमें से वो आप अप्लाई कीजिए, अगर इसका फायदा ले सकते हो। कोई भी रूल मैं आप बताता हूँ, स्ट्रेटजी बताता हूँ, टिप्स बताता हूँ, तो वो सभी जनों के लिए नहीं है, मैं तो सभी जनों के लिए बताऊंगा, लेकिन ये देखना है आपके लिए वो सूटेबल है, आपकी एबिलिटीज और आपकी सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आपके लिए सूटेबल है। अगर जो आपको रूल मैं बताऊंगा वो सूटेबल है वो अप्लाई कीजिए इजीली, ठीक। हमारे पास क्या है, अभी के टाइम बहुत कम है इसलिए मैं वो स्ट्रेटजी पर ज्यादा फोकस करूंगा जो कम टाइम में आप अप्लाई कर सकते हो। जितनी भी ये बातें करूंगा मैं फंडामेंटल साइकोलॉजी की थ्योरी में से आपको मिल जाएंगी, लेकिन आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो ये 20 साल का हमने टीचर को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीच करते हैं, जो स्ट्रेटजीज उनको बताई हैं और रिसर्च कह रही है ये सक्सेसफुल है, वो डिस्कस करूंगा। अगर आपको ठीक लगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। सो मेरे रूल सभी जनों के लिए नहीं है, जो आपको फिट लगता है अपने अकॉर्डिंगली वो आप अप्लाई कीजिए। तो फर्स्ट है अपना प्रेफरेंस बनानी है टॉपिक की, कैसे बनाओगे, ठीक है। ये है एक रीडिंग, सिलेबस को रीड करना है। दूसरा कैटेगराइज करना है, इजी टू डिफिकल्ट कैसे करने अभी बताता हूं। फिर फर्स्ट शिफ्ट आपकी होगी, एक सेकंड शिफ्ट होगी प्रेपरेशन की, उसमें क्या करना है। पहले ये जानते हैं कि हमारे पास ये जो मान लीजिए ये सिलेबस आ गया, फर्स्ट आपने रीडिंग करनी है सिलेबस की 100%। फर्स्ट रूल, आपने सारा सिलेबस अभी पढ़ना है। क्यों, उसका कारण है
आपके पास तीन तरह के टॉपिक या थीम्स या कंसेप्ट्स आएंगे, उनको आप डिवाइड कर लीजिए। एक तो इजी, सॉरी, सबसे पहले जो वो कंसेप्ट्स आपने कैटेगराइज करना ना, अभी ऊपर बता के हूँ फर्स्ट पॉइंट में, जो इजी हैं आपके लिए ई, दूसरा डिफिकल्ट है, ठीक है, तीसरा वेरी डिफिकल्ट है, ठीक है। ए वेरी डिफिकल्ट या डिफिकल्ट को आप एक और नाम दे सकते हो जो आपके लिए न्यू है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हैं। तो जो इजी हैं, इजी क्या हो सकता है, पहले आप पढ़े हुए हैं या आपने जब टीच किया है वही सब्जेक्ट, तो बार बार टीच करके आपके माइंड में घुसे हुए हैं, तो उन जब आप रीड कर रहे हो अपना सिलेबस तो उनको छोड़ दीजिए, कोई ना अंडरलाइन करनी ना सर्कल करना है। जो डिफिकल्ट हैं आपके, उनको आप, फॉर एग्जाम्पल मैं करके बताता हूँ, ये मुझे लगा डिफिकल्ट में रख रहा हूँ, ये भी डिफिकल्ट में रख रहा हूँ, ये भी डिफिकल्ट में, ये भी, आपने पूरा रीड करके डिफिकल्ट में रख लिए। तीसरा आपने ये डिफिकल्ट में रखी अंडरलाइन और वेरी डिफिकल्ट को कर लिया सर्कल। अब फॉर एग्जांपल ये मुझे लगा है, ये लगा है मन विटने टी टेस्ट, क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है मन विटने यू टेस्ट, सॉरी, या रैंक ऑर्डर में अगर वेरिएबल है तो आप दो वेरिएबल में डिफरेंस देखना चाहते हो और दोनों वेरिएबल रैंक ऑर्डर पर है, तो उसका आंसर ये होता है, यूजीसी में बड़ा आता है ये क्वेश्चन, ओके। तो आपने ये कर लिया, जो आपके डिफिकल्ट थे वो आपने सर्कल कर लिए, बाकी अंडरलाइन कर लिए। अब आपके पास तीन कैटेगरी आ गई हैं कि इजी, डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट या न्यू फॉर मी, जिन्होंने पहले से दिया हुआ है, काफ़ी गैप है 5, 7, 8, 10 साल का, उनके लिए सिलेबस बदल गया होगा, उनके लिए ये कैटेगरी ज़्यादा है। ये क्यों साइकोलॉजिकली आइडेंटिफाई करना जरूरी है, अभी बताता हूँ, ठीक है। तो आपने सारा एक बार रीड कर लिया, अब टॉपिक आइडेंटिफाई कर ले, नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर जो डिफिकल्ट और न्यू है ना, उनके लिए मेरे हिसाब से तो एक नोटबुक लगा लीजिए, हर यूनिट की नोटबुक डिफरेंट भी लगा सकते हो, वो आगे चल के बताता हूँ। नोटबुक लगाते, पेन में को यूज़ करते किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगर टाइम हो तो अप्लाई करना। नोटबुक हो गई, नोटबुक में आपने उनका जो डिफ़िकल्ट कंसेप्ट थे उनका मीनिंग और एग्जांपल ब्रीफ में, बहुत ब्रीफ में लिख लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपके पास जो उसकी इतनी जीरो नॉलेज थी वो नॉलेज इतनी हो जाएगी, ठीक, आपने करना इतना है। दूसरा तरीका क्या है कि क्या आप अभी से शुरू कर रहे हो और सारा टॉपिक कवर कर रहे हो, इससे साइकोलॉजी क्या कह रही है, इससे आपकी मेंटल एनर्जी काफी ज्यादा लगती है। इससे कैसे कम लगेगी, ये जो थोड़ा आपने हर टॉपिक मीनिंग और एग्जांपल लिख लिया है, एक दो दिन आपने इस पर लगा दिए हैं, अब सारे जो टॉपिक आपके माइंड में आ गए हैं, इसको प्याजे ने क्या कहा है, स्कैमा, जानने की जरूरत नहीं है, इजीली ये आपकी हो गई पी के, प्रीवियस नॉलेज, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज अभी आपने लर्न कर ली, उसके बाद ये पी के बनी है, अभी आपके लिए न्यू नॉलेज है। एक टॉपिक है, आपने इतना इतना जान लिया उसको, अब जब आप ये टॉपिक दोबारा रीड करते हो कि मैंने इनको टाइम देना है, तो ये प्रीवियस नॉलेज आपको उसी टॉपिक के बारे में नया लर्न करने के लिए बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करेगी। ये यहां पर ये आपकी एनर्जी कम लगेगी, साइकोलॉजी की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, पियाजे की, वाइगोत्स्की की अगर पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी में से बता रहा हूं, तो यहाँ आपकी टाइम और एनर्जी बच रही है। तो इस अप्रोच को आप अप्लाई कीजिए कि क्या करने के लिए, जो सबसे पहले वेरी डिफिकल्ट जो न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, थीम है, टॉपिक है, दूसरा फिर डिफिकल्ट है, इनको इस अप्रोच से कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सारा रीड करके जो नए और डिफिकल्ट हैं उनको स्किमिंग, जैसे कहते हैं ना रीडिंग की एक होती है कि जल्दी जल्दी से उनका मोटा मोटा आइडिया ले लेना, वो कर लेना चाहिए, वो हर हालत में कर लेना चाहिए। रूल ये भी है कि आपने कोई भी टॉपिक को बिना रीड किए नहीं जाना, बेशक उसका मीनिंग और एक एग्जांपल लेके जाओ, ठीक।
तो अब आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे करने के बाद आप डिफिकल्ट पर आ गए, डिफिकल्ट करने के बाद आप फिर इजी के लिए आप बहुत कम टाइम लगाए अपने मुताबिक, मेरे मुताबिक तो अभी टाइम ही नहीं है इजी के लिए। ठीक, हाँ एक बार मोटा मोटा तो सारा देखना है, इजी भी देखना है। अच्छा, अगर आपके पास ज्यादा टाइम होता तो ये बात याद रखनी है कि अगर आपके पास मोटिवेशन, मोटिवेशन नहीं लिखूंगा यहां, मोटिवेशन ज्यादा है, एंजाइटी कम है, तो यही अप्रोच बेस्ट है। ठीक, अगर आप टेंशन में हो, नेगेटिव आप, वो आगे चल के बात करता हूं, तो मोटिवेशन कम है, एंजाइटी स्ट्रेस ज्यादा है, तो आपको थोड़ा इजी को देखते रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि अंदर कॉन्फिडेंस बनता रहता है, हाँ मुझे कुछ तो आता है, मुझे कुछ तो आता है। अपने आप को इफेक्टिव डोमेन में आगे ले जाने के लिए आपको इजी टॉपिक को देखते थोड़ा थोड़ा रहना चाहिए, पर टाइम इतना नहीं है। ठीक, तो ये हो गई पहली बात। दूसरा है, आप ये बना सकते हो यहाँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मैंने कहा है सारा पढ़ना है, अब सारे में से प्रायोरिटी, पहला पॉइंट वही चल रहा है, प्रायोरिटी का एक तरीका वो हो गया। दूसरा तरीका कि इम्पॉर्टेंट लेस इम्पॉर्टेंट, ये क्या क्यों बनाया है, जो आपका पिछला यूजीसी नेट आपने एग्जाम दिया हुआ है, यूजीसी नेट में से आपको पता होगा, अगर आपने 2 3 4 साल पहले दिया है, जहां पिछले जिन्होंने लेट 10 साल पहले दिया था, अब नहीं दिया, उनको पिछले जो नेट के एग्जाम पेपर है ना, पेपर देख लेने चाहिए। अगर ज्यादा टाइम नहीं है, 2 4 बार या किसी की हेल्प लेके आप अपने हस्बैंड वाइफ सिस्टर ब्रदर से हेल्प ले सकते हो कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ये रहा सिलेबस, मुझे बताओ कि किस एरिया में ज्यादा आ रहा है। यहाँ सोशल हेल्प आपकी काम आ रही है, पूरी स्ट्रेटजी है, वहां आप मेहनत नहीं लगा रहे, वहां आपका जो पार्टनर है वो मेहनत कर रहा है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए जो पिछले 2 4 नेट के पेपर हैं उनमें से कौन से टॉपिक हैं जो ज्यादा कवर हो रहे हैं, कौन से टॉपिक हैं जो कम कवर हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे हो गया। तो कवर हो रहे हैं मतलब उनके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। होता ऐसे है कि हर सिलेबस में से कुछ 60-70% पोर्शन ऐसा होता है जिसमें से सबसे ज्यादा पेपर आता है। ठीक, तो आपको उसमें से उसको इंपॉर्टेंट एरिया में रख लिया। ठीक, तो वो ये प्लस ऐसे समझाता हूं, ये हो गया आपका ऐसे करके, अगर बनता है इम्पॉर्टेंट यस लेस, और ये हो गया आपका डिफिकल्टी लेवल, डिफिकल्ट और लेस डिफिकल्ट और इजी। ठीक है, अब आपने कौन सा एरिया निकालना है, ये इम्पॉर्टेंट और डिफिकल्ट, ये वाला आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एरिया, ये एरिया। ठीक, इम्पॉर्टेंट और इजी ये आपके पास है ऑलरेडी, और डिफिकल्ट और लेस कम जो आता है ये लास्ट में करना है आपने, ये लास्ट में करना है। ठीक है, इजी है और लेस आता है, इसको आप अवॉइड भी मैक्सिमम कर सकते हो, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो अप्लाई कीजिए, अदरवाइज नहीं। आपने सेकंड पॉइंट में क्या किया है कि पिछले पेपर के बेस पर हेल्प लेके आपने वो एरियाज आइडेंटिफाई कर ले जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, उसको ज्यादा टाइम देना है, ये अभी हमने बात की है। जो बाकी बचता है टाइम उसको भी देना है, लेकिन उसको जस्ट एक जहां तो रीडिंग, जहां स्किमिंग, जहां स्किमिंग क्या होता है आगे चल के बताऊंगा क्या क्या होता है। तो ये आपके 2 पॉइंट है, ये आपको जो अभी अभी से अगर आपने अप्लाई नहीं किए तो ये आपको अप्लाई कर देने चाहिए। फर्स्ट शिफ्ट में आपने इंपॉर्टेंट और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, तो सेकेंड शिफ्ट में आपने उनसे रिलेटेड जो एस्पेक्ट थे, जैसे दोनों बातें मैंने साथ साथ कर दी हैं, तो कि आपने प्रीवियस नॉलेज थोड़ी सी ले ली है, नेक्स्ट नॉलेज उनको एनहांस करने के लिए दोबारा करोगे, ये बात हो चुकी है। ठीक है, प्रोसीड कैसे करना है, जो लोगों की कॉन्फिडेंस ज़्यादा है वो डिफिकल्ट से इजी की तरफ जाएंगे, जिनका कॉन्फिडेंस कम है वो
थोड़ा इजी देख के मोटिवेट होके फिर जल्दी जल्दी डिफिकल्टी भी बढ़, लेकिन इस सिचुएशन में आपको डिफिकल्ट ही पहले प्रेफर करना होगा, बाकी आप अपने पर्सनैलिटी के मुताबिक चल सकते हैं।